नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पहाड़ी आशीष लेखवार। और पहाड़ी फूड बैंक से मैंने इधर अभी खोला है, शुरुआत एक डेढ़ महीना हो चुका है और अपना फूड बैंक खोला है। एक नया शुरुआत की मैंने अपने लाइफ की, फर्स्ट टाइम जो है अपने बिजनेस चालू किया। आज से पहले मैंने जो है जॉब कर रहा था, जो कि बाहर फॉरनर में जॉब कर रहा था ओमान में, और वहाँ से जो है बैक वापस अपने रिवर्स माइग्रेशन किया मैंने और अपने गाँव के लिए अपने कुछ इलाके में कुछ करने का सोचा है। प्रयास किया है हल्का सा मैंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, अपना एक्सपेरिमेंट तौर पे छोटा मोटा सो ये फूड बैंक खोला है, मैगी हो गया आपका, चाउमीन हो गया, नूडल हो गया। उस हिसाब से जो आपको जिस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको फूड बनाना है। लगभग 8-10 साल का एक्सपीरियंस लेके मैं बाहर से आया और मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अपने गांव की तरफ कुछ करना चाहिए, ठीक है, एक यूथ के लिए इंस्पायर बनना चाहिए। हम छोटा सा भी फिलहाल खोला है, हम जो है जैसे मैक्रोनी हो गया, पास्ता हो गया और आपका चाउमीन हो गया, नूडल्स हो गए, मोमोज स्पेशली मेरा जो है पहाड़ी स्टाइल में। मंडवे का मोमो दे रहा हूँ जो कि काफ़ी फेमस हो रहा है धीरे धीरे, और आपका सपोर्ट भी रहा है काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो दिखाता हूँ आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ रखी हुई है मैंने साथ में जो है लोगों के लिए कैरम खेलने के लिए रखा हुआ है। रेगुलर कस्टमर जो कि रायपुर से और राजपुर से आते हैं, मतलब स्पेशली काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ गोदियाले और मैं नथुवाला देहरादून में रहता हूँ। एक दिन मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे एक पानी की बोतल खरीदनी थी। पानी के बोतल खरीदने के लिए मैं भाई के यहाँ रुका तो मैंने देखा कि यहाँ पे मैगी वगैरह बनती है। भाई को मैंने पूछा कि अगर वो हमारे लिए कुछ मोमोज या चाउमीन वगैरह बना पाएँ, तो इन्होंने मुझे बताया कि इनके यहाँ मोमोज और चाउमीन ही नहीं बल्कि चिकन भी बहुत अच्छा बनता है। और आज मैं पूरी फैमिली के साथ, मतलब वीकेंड पे जब भी मेरा मन करता है कि फैमिली के साथ मैं इन्जॉय करूँ, तो मैं स्पेशल आशु भाई के यहाँ ही कोशिश करता हूँ कि आशु भाई के यहाँ मैं आ पाऊँ। और आशु भाई अवेलेबल अगर रहते हैं तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरा वीकेंड जो है बहुत अच्छा निकलने वाला है, क्योंकि आशु भाई के हाथ का चिकन। और मैं सबको बताना चाहूँगा कि आशु भाई के हाथ का चिकन एक बार जरूर ट्राई करें। यहाँ ये बन रहा है हमारा पैन फ्राइड चिकन, ये है चिकन के साथ अपना हॉट गार्लिक सॉस, और गार्लिक के सॉस के साथ डाला है हमने हल्का सा नमक मिर्ची एंड गार्लिक का तड़का, हल्का इसमें लग रहा है। तो अभी इसको थोड़ा सिम आंच में पकने देंगे 15 से 20 मिनट। अब हो गए ये कवर, लगभग 10 मिनट आराम से धीमी आंच पे इसको पकने के बाद हम इसको हल्का पलट देंगे और उस दूसरी साइड से भी पकने देंगे, ठीक है। प्रयास हमारा यही रहता है कि हमें कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। बिल्कुल आशु भाई, एक और चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी, वो जो आप फ्राइड चिकन बनाते हैं उसकी रेसिपी आप मुझे कब बता रहे हैं? जी बिल्कुल आपको बताएंगे, उसकी रेसिपी बताएंगे। वो क्या है कि पैन फ्राइड सॉल्टेड चिकन, कौन सा चिकन? पैन फ्राइड सॉल्टेड चिकन। सॉल्टेड चिकन, थोड़ा सा मैरिनेट करना होता है मसाला, जो नॉर्मल हमारे घर वाली मसाला। मैं सभी दोस्तों को ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार हमारे आशु भाई के यहाँ आके आपके यहाँ का चिकन जरूर ट्राई आपको करना चाहिए। और इनके यहाँ आने के लिए मैं एड्रेस आपको समझा देता हूँ। हम अगर आईटी पार्क से सहजधारा के लिए आते हैं तो सहजधारा मार्केट से
हार्डली 300-400 मीटर पहले राइट साइड में रायपुर के लिए एक रोड जा रही है। रायपुर रोड में टर्न लेने के बाद 300 मीटर आगे जाके एक पुल पड़ता है। पुल के जस्ट बगल में आशु भाई का रेस्टोरेंट है, तो आप सब लोग एक बार आइए और इनको इनके यहाँ का चिकन एक बार जरूर ट्राई कीजिए।